हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी टॉक्स, जहाँ पे हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है HSG टेस्ट। इसको हम फेलोपियन ट्यूब टेस्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो कपल्स प्लान कर रहे होते हैं या फिर कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही होती है उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। कुछ टाइम बाद पहले तो डॉक्टर्स नॉर्मल मेडिसिन देते हैं आपको और नॉर्मल आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं कि आपको PCOD या सिस्ट वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे केस में तो अलग था, मैंने कंसीव कर लिया था लेकिन मेरे दो मिसकैरेजेस हुए थे। तो डॉक्टर ने मेरे सेकंड मिसकैरेज के बाद मुझे कहा था कि आप एक बार ये चेक करवा लो। वैसे तो अगर आपने कंसीव कर लिया है या फिर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो जिनको कंसीव बिल्कुल ही नहीं हो रहा उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं चेक करने के लिए कि अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ट्यूब्स ही ब्लॉक होंगी तो फिर आपकी ओवरी से एग्स रिलीज होके नहीं आ पाएंगे ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से। या फिर कईयों को होता है कि ट्यूब बहुत ज़्यादा वो है, एग्स नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर मेरे को भी ये टेस्ट रिकमेंड हुआ था। मेरा ये टेस्ट सेकंड मिसकैरेज के बाद मैंने ये कराया था। तो इस टेस्ट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी, मुझे भी बहुत थी कि इस टेस्ट में क्या होता है, पेन होता है कि नहीं होता है और क्या मतलब क्या प्रोसीजर होता है ये सब। तो मैंने भी बहुत गूगल किया था, मैंने अपने डॉक्टर में, डॉक्टर ने तो बोला था कि आपकी मर्ज़ी है, आपको करवाना है तो आप करवाओ, नहीं तो ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मेरे को था कि नहीं, दो बार ये केस हो चुका है तो मैं एक बार पूरा कन्फर्म करना चाहती थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए तब मैं आगे कंसीव करूँगी, कोई अब प्रॉब्लम ना हो। तो इस टेस्ट में क्या होता है, आपके विजाइना के थ्रू आपके यूट्रस में और ऐसे ट्यूब्स में के एक कुछ लिक्विड्स है वो इंसर्ट करते हैं, विद सम टूल्स वूल्स होते हैं उनके पास। वो जैसे ही आपको इंसर्ट करते हैं वजाइना के थ्रू, वो विद इन सम सेकेंड्स ही वो आपका एक्सरे करते हैं। उस एक्सरे में आपका पूरा ही आ जाता है कि आपकी वो जो डाई है डाई कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुई है। अगर वो आपकी पूरी जगह जहाँ जहाँ पे डॉक्टर्स को देखना होता है कि ट्यूब्स में और इधर उधर स्प्रेड हो गई है, तो इसका मतलब अगर आपका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर कहीं पे उनको ब्लॉकेज दिखती है कि डाई इससे आगे नहीं जा रही है या फिर यहीं पे स्टॉप हो गई है डाई, तो उस केस में डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है या ट्यूब्स ब्लॉक है। तो ये टेस्ट वैसे तो एक ही बार होता है, दूसरी बार तो करवाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती और पड़े भी ना। और मेरे साथ ही हुआ था, जब मैंने टेस्ट करवाया था तो मेरे डॉक्टर ने मेरे से पूछा था कि आपको इसके बारे में पता है। तो मैंने कहा मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि डाई इंसर्ट करते हैं वजाइना से, क्योंकि मेरी कज़न भी हैं उनका भी हो रखा था तो उन्होंने मुझे बताया था। तो इसमें क्या होता है, आपको ऐसे स्लोप सा बना हुआ होता है, आपको स्लोप पे ऐसे वो लिटा देते हैं और फिर वो आपको इंसर्ट करते हैं जब डाई। तो आपको पेन होती है क्योंकि अगर वो आपको कुछ इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वजाइना के थ्रू पेन होगा, पर वो पेन आपको कुछ सेकंड्स के लिए होता है, मतलब विद इन वो पेन आपको चला जाता है। तो कुछ सेकंड्स के लिए तो आपको बहुत तेज़ पेन होगा, लेकिन वो पेन थोड़ी देर बाद जैसे ही एक्सरे होता है नॉर्मली आप खड़े होते हो और उसके बाद वो पेन आपको चला जाता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप ये टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो पहली बात आप कुछ खा के जाएँ, और जैसे मैंने तो कॉफ़ी और सैंडविच लिया था, और आप अपने साथ कोई भी एक छोटा सा या तो पैंटी लाइनर या फिर पैड लेके जाएं, क्योंकि इसके बाद आपको हल्की सी ब्लीडिंग जैसे स्पॉटिंग होती है वो होने के चांसेस होते हैं। और मेरे को हुई थी, बहुत कम हुई थी मेरे को, मतलब वहीं पे ही मैं तो लेके ही नहीं गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ कॉटन का प्रोवाइड कर दिया था, तो उस पर हल्की सी स्पॉटिंग हुई थी। और उसके बाद मैं घर आई, थोड़ी देर पेन रहा, वो पेन आपको पीरियड के क्रैम्प्स होते हैं वैसा होता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर आपको ज़्यादा पेन हुई तो आप पेट दर्द की कोई मेडिसिन ले लेना, वो बोला था। उसके बाद आपको मतलब नॉर्मल आप हो जाते हो। तो यही है, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि क्या होता है इस टेस्ट में, कैसा होता है, क्या क्या करते हैं, कुछ नहीं करते फ्रेंड्स, नॉर्मल वो एक डाई इंसर्ट करते हैं और वो डाई इंसर्ट होते ही वो विद इन द सेकेंड्स आपका एक्सरे ले लेते हैं, और एक्सरे लेने के बाद उनको पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉकेज है या नहीं है। वैसे ये टेस्ट डॉक्टर सिर्फ एक ही बार रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक ही बार में आपको पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और वो भी उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको कंसीव ही ना हो रहा है। डॉक्टर एक बार चेक करते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर एक बार ट्यूब्स को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई केसेस में ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, तो उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर दे देते हैं अगर जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको आगे किसी भी कोई
कोई भी क्वेरी हो और आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू.